इज कॉल्ड एज एनाड्रोमस। इसका उल्टा जानो, इसका उल्टा होता है कैटाड्रोमस, इसका उल्टा होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। जब फ्रेश वाटर से ओशियन की तरफ माइग्रेशन किया जाए फॉर स्पॉनिंग, ऐसा करता है एग्जांपल ईल फिश। ईल जो फिश है दैट परफॉर्म कैटाड्रोमस माइग्रेशन। क्लियर? तो ये अलग से मैंने बताया, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ब्रैकेट में लिख लो। यहां पे एनाड्रोमस है मतलब साइक्लोस्टोन्स कैसा माइग्रेशन करते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ओशियन टू फ्रेश वाटर, सी टू फ्रेश वाटर रिवर। क्लियर? और जो लैम्प्रे का लार्वा है, यहां पे मैं लिख देता हूं बच्चों, लार्वा ऑफ लैम्प्रे, लार्वा ऑफ लैम्प्रे इज कॉल्ड एज एमोसिट। लैम्प्रे लार्वा ऑफ लैम्प्रे इज कॉल्ड एज एमोसिट लार्वा। ये लार्वे का नाम हो गया, कट तो नहीं रहा, एक मिनट में देख लेता हूं। एमोसिट आ रहा है, थोड़ा सा ई कट रहा है बच्चों, इसको इधर से लिखता हूं मैं, यहां पे इसको ऐसे लिख देते हैं, लार्वा ऑफ लैम्प्रे। आप कहीं नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है। लार्वा ऑफ लैम्प्रे इज एमोसिट। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल, थोड़ा सा फिर रह गया, छोड़ो, ऐसे करते हैं, कुछ नहीं है, यही है पूरा नाम इसका, ऊपर में लिख देता हूं। चलो मैं लार्वा ऑफ लैम्प्रे इज यहां पे लिख रहा हूं ऊपर में, एमोसिट लार्वा। तो नाम याद रखना, ठीक है ना, माइग्रेशन इज एनाड्रोमस हियर, लार्वा इज एमोसिट, किसका, लैम्प्रे का लार्वा है ये, इसका लार्वा, लार्वा ऑफ लैम्प्रे। क्लियर? एमोसिट। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया, तो इसे आपको पता है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दो एग्जांपल्स आपको याद रखना है बस, और सारा कुछ वैसे ही रहेगा। तो ये मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं जिससे आपको पता चले, तो ये भी नोट कर लेना। यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वन इज लैम्प्रे, दूसरा है माइक्सीन। लैम्प्रे का कॉमन नेम है पेट्रोमाइजोन, और माइक्सीन इज हैगफिश। क्लियर बच्चों? तो इतना आपको पढ़ना है फाइलम साइक्लोस्टोमेटा। तो वेरी वेरी सॉरी, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा में ये सारे आपको फीचर्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से आता है, बाहर इधर उधर की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट शुरू करेंगे पाइसेस, सुपर क्लास पाइसेस को, जिसमें कॉन्डिक थाइज और ऑस्टिक थाइज डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।